सीतापुर में रहस्यमयी ढंग से लापता हुए किशोर को आखिरकार परिजनों ने 4 घंटों बाद खोज निकाला। देर रात लापता हुए किशोर की कहानी अपहरण की तरफ उस वक्त घूम गई जब परिजनों के पास उसे छुड़ाने के लिए फिरौती के 3 लाख रुपए की मांग की गई। फिरौती की मांग के लिए फोन आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शहर कोतवाली सहित क्राइम ब्रांच और स्वाट की टीम जांच में जुट गई। जी भाई साहब, क्या मामला है? हम दुकान बढ़ा रहे थे 7 बजे। दुकान बढ़ाने के बाद कहेगा कि हम जा रहे हैं घर पर, तो हमने कहा बेटा अभी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, थोड़ी बढ़ा लो, हमको दर्द हो रही है हमारे। तो कहा नहीं, हम जो है जा रहे हैं, हमको पढ़ना है। हम कहा चलो ठीक है, हम जाओ। हम डेली उनके मतलब ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते, जितना होता है वो कर लेते हैं। कहीं हम जा रहे हैं, हम कहा जाओ। वो चले गए वहाँ, पप्पी ने उनके जो है कहा कि कहाँ जा रहे भैया? कहें हम बिस्कुट लेने जा रहे हैं, खेली होते हैं, पैसे लेते हैं, लेके चले गए फौरन। उसके बाद जब से आई नहीं 7 बजे। कितने बजे कॉल आई थी आपके पास? आपके पास कितने बजे आई थी? मेरे पास कॉल नहीं आई उसकी। जिसके पास भी आई है कितने बजे आई? मेरे पास कॉल आई है 8:30 बजे। क्या कहा फ़ोन पे? जी क्या बोला गया फ़ोन पे? उसने फ़ोन के ऊपर ये बोला कि अरमान भाई कहाँ है? तो हमने अरमान को ठीक कहाँ गया हुआ है, बात क्या है, तेरा अंकल हमें बचा दो। तो हमने बात क्या है, क्या हुआ? तो बोला हमें यहाँ के ऊपर लाए हैं, ये कमरे में बंद कर रखा है और खैराबाद में हमें। तो हमने कहा तुम वहाँ पे पहुँचे कैसे? तो अगर हम घर से आ रहे थे, हमें वैन में डाल के और लेके आ गए। कितने रुपए की फिरौती? 3 लाख रुपए की मांग रखी है कि 3 लाख रुपए का जब तक देख नहीं तब तक छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? इरफान। आपका क्या नाम? भजन मोहम्मद। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। यहाँ के मोहल्ला पक्का बाग निवासी जुनेद का 13 वर्षीय पुत्र देर शाम मुख्य बाजार से लापता हो गया। लापता हुए किशोर का कहना है कि 2 युवकों ने उसे जबरन मारुति कार में बैठा लिया, उसके बाद उसी के फोन से फिरौती के लिए परिजनों और दोस्तों को 3 लाख रुपए की मांग की। जो है अपनी छोटी पुप्पी के यहाँ, ये जो अकीम जी की मस्जिद है, यहाँ पे हम खाना देते, घर से घर जा रहे थे और पापा मेरे यहाँ पे शॉप लगाते हैं। और पहले एक ने फोन छीना तो हम सोचे पता नहीं कोई दोस्त यार होगा, तो हमने उसका पीछा किया तो उसने हमें पकड़ के उधर तरफ नहीं गए थे। और बताएं कोई पूछे तो बताना खैराबाद में उधर नहीं गए थे। वो जो वो है मुंशीगंज, उसके आगे पानी टंकी के आगे नहीं गए थे, उधर से भागते हुए। कौन ले गया था? वो लड़का एक नहीं गया था, एक लड़का नहीं गया था, पट्टी पैंट पहने था और बाकी बनियान पहने था हरी भरी। एक लड़का आपको ले जा सकता है? 2 युवक, एक मतलब नहीं, तुमने हमें बताया था कि वैन निकाल दिया। हाँ वैन में मतलब कि 2 युवक थे, मतलब कि एक फटी पैंट पहने था और एक वो टी शर्ट पहने था। किधर कहाँ तक ले गए थे आपको? मुंशीगंज तरफ। फिर उसके आगे जो है वह फिर जो है बंद कर दिया। फिर हम मौका पाते ही भाग गए और भाग के आ रहे थे और दुकान से फोन भी चार्ज किया, फोन हम बात कर रहे थे घर से और जैसे ही बात उधर भाग के आ रहे थे, कभी हम उधर ही आ रहे थे तो हम लोगों ने पता ही। अच्छा, तो उन लड़कों को कैसे आपके फूफी का नंबर या जो मौसी हैं उनका नंबर या दोस्तों का नंबर कैसे मिला? मोबाइल का मेरा फोन उन्होंने छीन लिया था। उस नंबर में मेरा फोन उन्होंने छीन लिया। इसी नंबर से फोन किया था जी? और क्या कहा था? उन्होंने कहा था पैसे चाहिए। कितने? 3 लाख बता रहे मांगा है। उनको पहचान पाओगे? पहचान नहीं, पर वो लगाते इसको आप कभी नहीं पहचान पाएंगे। तो ले गए थे वाकई में या नहीं? नहीं, ये इनको मिले वहाँ टहलते हुए, ये हम भागते हुए आ रहे, तभी आके बताएं तो हम लोग गए फिर पकड़ के। अच्छा, ये टहलते हुए मिले? ये वहाँ टहल रहे थे तो इसने आके वापस बताया लड़का, तो वहाँ टहल रहा। फिरौती के लिए फोन आते ही परिजनों ने बिना कुछ देर किए मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने देर रात घटना को संदिग्ध मानकर छानबीन शुरू की और पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती उससे पहले ही लापता किशोर खुद ही कॉलोनी की गलियों में घूमता दिख गया। किशोर जब वापस आया तो पुलिस ने गायब हुए किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए कोतवाली ले गए। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होता है, लेकिन किशोर से पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इस रहस्यमयी घटना से इलाके में देर रात हड़कंप मचा रहा। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट।